झारखंड के धनबाद में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। कोयले की अवैध खदान धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका है। सीआईएसएफ जवानों ने फौरन बचाव कार्य शुरू किया। बताया गया है कि क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है और इसी अवैध खनन ने 3 लोगों की जान ले ली। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ वहां लग गई है। फौरन दबे लोगों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि टनल में कोयला निकालने के लिए सैकड़ों लोग घुसे थे। इसी दौरान खदान की छत भरभरा कर गिर गई। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग खुदाई स्थल पर एकत्र हो गए हैं और मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटे हैं। करीब लगभग 8 बजे अवैध तरीके से कोयला निकाला जा रहा था। कोयला का चाल धंसने से करीब 10 से 15 लोग घायल हैं। अभी 4 लोग डेड कर गए हैं और यहाँ का दलाल और एक यहाँ का नेता के इशारों पर ये सब तस्करी का काम किया जाता है कोयला का। और हम 2 घंटा पहले पूर्व थाना प्रभारी को फोन किए, फोन करने के बाद कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। ना कंपनी वाले को हम फोन किए, ना कंपनी वाला कोई गाड़ी भेजा है लाश निकालने के लिए। सारे मोहल्ले वाले लोग हम लोग मिलकर 4 बॉडी को निकाले हैं और इसमें से लगता है कि चारों के चारों डेड कर गए हैं। अभी तक उसमें लाश दबा हुआ है और माइंस वाला को जाकर अभी हम लोग बोले तो माइंस बंद किया गया है। और इस पे हम यही कार्रवाई करने के चाहते हैं प्रशासन से। यहाँ के जितने भी कोयला का चोर है जो रोज तसली करते हैं, उस पे अविलंब FIR दर्ज हो। FIR दर्ज नहीं होगा तो हम लोग रोड से लेकर थाना तक जांच करेंगे।